कैमरा लेके आ जा रहा स्कूल, कैमरा बैग में डाल के जाता सब हो रहा है। ये उसका रोटी भी रखनी है बड़ी में। तो भी पीयूष का लंच तो तैयार हो गया है। रोटी है, अंगूर है, इसमें आलू की सब्जी और कुनाली का भी लंच रेडी हो रहा है। चम्मच चाहिए? चम्मच का चार डालेगा क्या? मम्मी मैं लगाऊंगा ना, मेरा टिप्पा ना हो। अभी दादा को ठंडा ही पानी पसंद आ गया। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो गाइज, फाइनली आज पीयूष और कुनाली जाएंगे अपने न्यू स्कूल। आज इनका फर्स्ट डे है तो रेडी हो चुके हैं। अभी इनके पास ड्रेस नहीं है क्योंकि अभी ड्रेस की शॉर्टेज चल रही थी, तो ड्रेस भी मिल जाएगी 2 दिन में। तो फिलहाल अभी रेडी हो चुके हैं। सुबह सुबह 7:24 हो रहे हैं, सुबह सुबह रेडी हो गए दोनों के दोनों। बहुत एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है, बुक्स वगैरह रख लिया है, पानी वानी पैक कर लिया है, लंच पैक कर लिया है। एक दो दिन तो मैं ही छोड़ने जाऊंगा, फिर इनकी बस आ जाएगी, फिर बस लेके जाएगी रोज। आज पीयूष पहली बार इतनी सुबह सुबह रेडी हुआ है, बहुत दिनों के बाद, नहीं तो लेट उठता था ये। और खुद ही उठा है, खुद मुझे भी उठाने आया कि मेरे को स्कूल जाना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू स्कूल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू टीचर्स, और सबको अच्छे से प्रणाम करियो जाके, अच्छे से गुड मॉर्निंग बोलियो और सबकी रिस्पेक्ट करियो, बेसिकली सभी बच्चों की, सभी टीचर्स की और सबकी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि रिस्पेक्ट करना सबकी, ठीक है। पढ़ाई करियो अच्छे से, ऑब्जर्व करियो चीजें, सीखियो नई नई चीजें। इतना बड़ा स्कूल है, मात्र को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी छोड़ के आऊं क्या? और क्या? सोड़दा, जब ना पीयूष का अलार्म बजा, पीयूष का अलार्म से पहले उठ गया। लेट्स गो। तावत तुष्टि मेदिनी यावत राम कथा लोके तावत जीवत बालक आयुष्मान भवो तावत जीवत बालक हो। कुनाली रेडी? तो गाइज, अभी न्यूज आई है, पता चला कि कुनाली का स्कूल नहीं है। कुनाली भी छोटा है ना, इसके मंडे से स्कूल है। सुबह सुबह उठ के रेडी हो गया था, सब लंच वंच पैक कर लिया था, लेकिन उसका स्कूल ही नहीं है। पीयूष का तो है ऐसे, तो पीयूष को छोड़ के आते हैं। चल चाहे जी, बाबू और साहिल भी जा रहे हैं। साहिल पहली बार जा रहे हैं पीयूष के स्कूल। डेली तो मैं छोड़ने जाऊंगा नहीं, आज फर्स्ट डे था इसलिए जा रहा हूँ। कल से तो बस बस में जाइए भाई। 5 गए। कैमरा लेके आ जा रहा स्कूल, कैमरा बैग में डाल के जाता सब हो रहा। ब्लॉग करेगा क्लास में, छोड़ के आते भी उसको अंदर क्लास तक। तो साहिल फर्स्ट टाइम है उसके न्यू स्कूल, है ना। फाइनली गाइस, पीयूष छोड़ा है अंदर उसकी क्लास में। आज स्टडी नहीं होगी, मैम बोली मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन। मैं कह यार सही है, आज मतलब बेसिकली स्कूल के बारे में, स्कूल के रूल, डिसिप्लिन, आई थिंक वो सब कुछ बताएंगे। आज स्टडी नहीं होगी, लेकिन मजा आया। मैम ने बोला ना, हैव फन, मेक फ्रेंड्स। पीयूष भी काफी कंफर्टेबल था न्यू स्कूल के हिसाब से। कुनाली का पॉपट हो गया है। कुनाली पांच जगह उठा बेचारा। कुनाली का पॉपट हो गया, पांच जगह उठा हुआ था। कोई नहीं, मंडे से जाना। मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन, बता तो सही इसका। मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन, मतलब मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन। क्या ठहरा है आज? मैम ने पीयूष को बोला मेक फ्रेंड्स एंड हैव फन। क्या ठहरा रहा है? इसका मतलब है कि नए दोस्त बनाओ, मस्ती करो, स्कूल के बारे में जानो, डिसिप्लिन करो। आज सारा दिन यही करना है, आज पूरा दिन यही करना है। आज कौन सा नवरात्रि है? छठ। तो गाइज, आज छठ नवरात्रि। अब मैं भी नहाता हूँ, फिर पूजा करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी गाइज नहा लिया, फिलहाल ब्रेकफास्ट करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में है परांठा, और पापा जी तो अपना भाई बनियान में। बनियान पहनने के दिन आ गए। बनियान हर आदमी नहीं पहन सकता है, बॉडी होनी चाहिए। के पतले लोग बनियान नहीं डालते हैं। मैं नहीं डालता, मैं पतला हूँ तो। वाह, तू तो कभी नहीं डालता है। ये देखो, मैं टी शर्ट में इतना पतला लग रहा हूँ, बनियान डालूंगा फिर कैसा लगूंगा, हड्डियाँ दिखेंगी सारी। लेकिन पापा जी पे सूट करती है। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है, मैं सबको व्लॉग दिखाता हूँ यहाँ बैठ के टीवी में। अभी मम्मी बुला रही, पक्का उसी काम के लिए बुला रही, मुझे पता है पक्का उसी काम के लिए बुला रही ना। हाँ, और जो छेड़ने के लिए, ताकि वो खाना खाए। अब जब तक ओरियो खाना नहीं खा लेता, तब तक मुझे यहीं बैठा रहना पड़ेगा, ताकि ये कंप्लीट करे और मैं उठूं। मम्मी बोलती है सौरभ इधर आ। मैं समझ जाता हूँ भाई क्यों बुला रही मम्मी। इसको पता चल जाता है, मैंने सौरभ कहा ना, वहाँ से उठ के आ गया है। क्या बना रहे? ओट्स। हमारे घर में सबका अलग खाना है। थोड़ी सी मेरे को भी दे दे यार, थोड़ी सी दे दे। तो थोड़ी सी मैंने भी ले ली साहिल से। तो फिलहाल लंच करते हैं, लंच में आज पुलाव बने हैं। और आज पीयूष के बिना ना घर में एकदम शांति सी हो रही। देखो मंडे से फिर कुनाली भी चला जाएगा, फिर और शांति हो जाएगी। बैठ के आओ ना, बैठ के अच्छे से बैठ के। तो भी गाइस लंच तो हो चुका है, अब चलते हैं पीयूष को लेने के लिए स्कूल में। वहाँ से कॉल आता है कि पीयूष को लेने आ जाओ। तो फाइनली पीयूष तो आ गया। भूख लगी है? पहले अपना बताइए पूरा दिन क्या क्या हुआ, मतलब कैसा एक्सपीरियंस था सब कुछ। तो पीयूष को लेके तो आ गया, लेकिन पीयूष एक्साइटेड नहीं दिख रहा बिल्कुल भी। मेरे बंदे सर पे चढ़ गए भैया। पीयूष पीयूष पीयूष, क्या हो गया भाई इतना चिपक क्यों है मेरे से इतना? एक दो दिन ही करेंगे, उसके बाद कोई नहीं करेगा बेटा, एक दो दिन की बात है बस। मेरे को लग रहा था पीयूष स्कूल से निकलेगा, एक्साइटेड रहेगा, पहला दिन बहुत मजा आ गया, ये हो गया। लेकिन ये तो चलो, अब चलते हैं मम्मी जी को छोड़ने के लिए। मम्मी जी कीर्तन में जाना है, उसके बाद फिर घर आके फिर पीयूष से पूछते हैं। तो मम्मी और चाची रेडी हो गई है। मम्मी को तो बस कीर्तन का शौक है। फिर उसमें क्या बात है? बाय मम्मी, बाय। तो मम्मी जी को छोड़ दिया बबली जी के घर पे, अब चलते हैं सीधा घर।
तो पीयूष तो आते ही लेट चुका है यहाँ पे। क्या किया? पहले यहाँ से स्कूल गया तो पहली बात तो आज पढ़ाई बिल्कुल नहीं, आज था फंडे तो कल होगी पढ़ाई। पहले सबने घेर लिया, पीयूष आया, फिर बाद में नॉर्मल होता गया। फिर थोड़ी देर बाद हम गए असेंबली के लिए, थोड़ी देर ऐसे ही बैठ के गप्पे वप्पे मार रहे हम। उसके बाद हम गए थे ऑडिटोरियम में गए थे, उसके बाद हमने ड्राइंग बनाई वहाँ पर प्लेग्राउंड में, गेम्स खेली वहाँ पर बहुत सारी। फ्रेंड्स बनाए? नहीं, बहुत सारे। लेकिन पीयूष के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, बिकॉज जाते इसको सबने घेर लिया, सारे इसी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे, तो इसको मतलब नॉर्मल नहीं लग रहा था। कुछ हेटर्स भी मिले इसको जो कि उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो मैंने इसको बोला कि तू रिएक्ट मत करियो, चाहे तेरे बारे में कोई कुछ भी बोले, तेरे बारे में जो कुछ भी बोले तो रिएक्ट मत करियो, तो हाथ जोड़ के हाँ भाई हाँ तू सही है मैं गलत हूँ, ऐसे बोल दिया उसको। अगर कोई कुछ बोलता अंदर को हाथ जोड़ के भाई हाँ तू सही है मैं गलत हूँ, बस वहाँ से निकल गया। किसी के साथ में बहस नहीं करनी, किसी के साथ में लड़ाई नहीं करनी, किसी के साथ में कुछ नहीं करना, बाकी ये सब चीज़ें तो होंगी चाहे कहीं भी जाएगा तू लाइफ में। और कुछ स्पेशल हुआ? कुछ स्पेशल हुआ? हाँ, स्विमिंग पूल, लेकिन मेरे पास कॉस्ट्यूम नहीं थी ना स्विमिंग पूल वाली। अच्छा, कच्चे में नहीं कूद सकते? कच्चे में पूरी किट चाहिए। मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को जो भी इसके स्कूल में, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स इसको जानते ही होंगे, तो मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करो, एज ए मतलब स्कूल का बच्चा ही ट्रीट करो, अलग से ट्रीट मत करो, इसके लिए भी ठीक रहेगा। और स्पेशली जो स्कूल का डिसिप्लिन है ना वो ख़राब हो जाएगा, नहीं तो अगर आप ऐसे भीड़ लगाओगे इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो उससे ना डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा, और जो स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए और जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो पाएंगी अच्छे से। तो हाँ बस यही रिक्वेस्ट थी। पीयूष फेमस होने के बाद फर्स्ट टाइम स्कूल गया है ना? Yes. इससे पहले ये स्कूल नहीं गया था फेमस होने के बाद, क्योंकि लॉकडाउन में ही हमारा चैनल ग्रो हुआ था, तब तो स्कूल गए नहीं थे, तो अभी गया वो भी नए स्कूल में सीधा। तो हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, स्टार्टिंग में थोड़ा। तो अभी गाइस चाय पीते हैं, इसके बाद चलते हैं राइड पे, बाइक राइड पे। बहुत दिनों के बाद अपनी मस्त ड्यूक 200 चलाएंगे और साइल अपनी ड्यूक 250 चलाएगा, तो बाइक चलाने का आज बहुत मन कर रहा था और पीयूष पीछे बैठेगा मेरे। तो चलो गाइस चलते हैं, मैं नॉर्मल हेलमेट लेके जा रहा हूँ बिकॉज मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं करूँगा, बस थोड़ा बहुत फोन से दिखा दूँगा आपको। मेरा बाइक चलाने का मन कर रहा है बेसिकली, तो बाइक चलाएंगे चलो। तो बाइक तो दोनों के दोनों ढक रखी है। अरे वाह, पापा जी स्कूटी चला रहे हैं, चलानी आ गई है। वो भी अपने भाई को बिठा के, वाह आप दोनों भाइयों का प्यार ऐसे ही बना रहे। भाई वो मेरे भाई, भाई वो मेरे भाई। तो हम चलाएंगे बाइक, पापा जी चाचा जी यहाँ पे स्कूटी सीख रहे हैं। पापा जी मस्त है यार। थोड़ी देर स्टार्ट छोड़ देते हैं बिकॉज बहुत टाइम से चली ही नहीं है। तो पीयूष भी हो गया रेडी। मैं छपरी लग रहा हूँ क्या? आप ही नहीं, मैं भी लग रहूँगा। हेलो गाइस, छपरी बॉयज हियर। गाइस हमारे साथ में ना साहिल भी आया था, साहिल पता नहीं कहाँ गायब हो गया, इतनी तेज चलाता है ना वो। यहाँ पर साहिल का फोन तो मिलाया जा रहा है बट वो उठा नहीं रहा, बाइक चला रहे होंगे। सो गाइस अभी यहाँ पर रुके हैं जूस पीने के लिए, तो यहाँ से जूस पीते हैं। आप मैंगो शेक पी लो। मौसमी मौसमी ठीक है, चलो। बहुत दिनों के बाद बाइक में मजा आया है ना, एक लंबी ट्रिप मारते हैं। लेकिन तेरा स्कूल है यार, मैं तो साहिल के साथ मारूंगा। अरे भाई, तो गाइस अभी हमारा प्लान बना है गेमर फिट भैया से मिलने का, उनसे काफ़ी टाइम हो गया मिले ही नहीं, लास्ट टाइम होली पे मिले थे उनको रंगा था ना, तो चलो अब चलते हैं गेमर फिट भैया के पास में, थोड़ी देर उनसे मिलते हैं फिर चलेंगे घर। तो मेरा गोप्रो बना हुआ है आज पीयूष। अबे यार ये देख, भगा के ले आता है हमेशा, हमेशा भगा के ले आता है ये। जूस पी के आए थे भाई, फिर से जूस पिला रहे हैं। चलो ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। हेलो आपका तो स्कूल नहीं है, अब रो क्यों रहे हो? फिर रो क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, मंडे से जाना स्कूल छोड़ने के लिए। कितने सारे लोग जाए